खरगोन जिले से अवैध हथियार का कारोबार का खुलासा हुआ है। यहां क्रय विक्रय का दौर जारी है और इस बात का खुलासा खरगोन की पुलिस ने आज कर दिया। पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और आज इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई। अवैध हथियार का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए, वर्तमान में जो वरिष्ठ शासन स्तर से जो ये संदिग्ध गतिविधियां हैं उस पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए, तो उसी तारतम्य में और आगामी चुनाव को देखते हुए जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस महानिरीक्षक महोदय इंदौर जोन के द्वारा भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए थे, उसी के तारतम्य में जो हमारे एसओ भगवानपुरा हैं उनकी और जो हमारे साइबर क्राइम के प्रभारी हैं उनकी एक टीम ने अपने मुखबिरों के माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हुई कि हमारे भगवानपुरा थाना क्षेत्र के जो चाचरिया काबरी रोड है उसके बुलवानिया चापरिया फालिया में जो व्यक्ति हैं वो हथियारों की लेन देन करने का उनका घटनाक्रम हो सकता है। इसी की जानकारी को जब डेवलप किया तो इसमें ये दो लोगों के पुलिस ने राउंडअप किया और इनके पास से जब तलाशी ली गई तो करीब 15 फायरआर्म्स इनसे जब्त किए, जिसमें 13 देसी पिस्टल्स हैं और 2 अपने देसी कट्टे हैं और साथ में इनसे 3 जिंदा राउंड भी पुलिस को बरामद हुए थे। इसमें से जो एक आरोपी जिसने इनको बनाया था वो जयमाल पिता अजीत सिंह, ये सिकलीगर है, और दूसरा जो इससे खरीदने आया था वो हरदा निवासी दिनेश पिता नेहरू लाल चंदेल है जो इससे ये हथियार खरीदने आया था। ऐसी जानकारी है कि इसने पूर्व में भी हथियार लेकर हरदा में कहीं बेचे हैं, जिनके संबंध में इसके पीआर लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है और जो जिस टीम ने ये पूरा किया है, कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसको उचित इनाम दिया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर खरगोन से आ रही है। यहाँ ग्राम गलगांव के सरपंच से सीएम की चर्चा नहीं हुई, जिसके कारण से लोगों में नाराजगी है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कलेक्टर अनुग्रह भी यहाँ पहुँची थी। बताया जा रहा है कि सनाबाद तहसील के ग्राम गलगांव से कालब्रड तक सड़क पर निर्माण हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन करना था। साथ ही ग्राम गलगांव के सरपंच कोमल चंद बिरला से उनकी चर्चा भी होनी थी, लेकिन इस चर्चा की तैयारी को लेकर 3 दिनों से लगातार तैयारी चल रही थी, लेकिन आज ऐन वक्त पर सरपंच से ऑनलाइन बातचीत सीएम की नहीं हुई, जिसके कारण से सरपंच एवं उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा देखी गई। सरपंच साहब, बताओ आज क्या आयोजन था? एक खेत सड़क के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री से ऑनलाइन बात करने की था। क्या सोच के आए थे आज बात करने के लिए आप? ये जो खेत सड़क बने इसके लिए, जो खेतों किसान के लिए इन्हें बनाई है, जो गांव जुड़ा है कालबड़ मार्ग, ये बहुत आने में कठिनाई पड़ती, इसलिए आपने मांग करी थी, तो हो गया सर। कितने लाख से बना? 14,81,000। कितने महीने में पूर्ण हुआ? या अगस्त में चलू हुआ, अक्टूबर में खत्म हुआ। इसके अलावा और क्या निर्माण कार्य हुआ? अभी कपिलधारा कूप 2 चल रहे हैं, खेत तालाब दिया उनको। ये कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर मैडम से बात करी थी आगे की पुलियों में समस्या, क्या बात थी? वो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो कारोबार से सताजन मार्ग है, वो वाली पुलिया की मांग में जो प्रधानमंत्री ने जो पक्का रोड दिया उसमें मांग करी सर। क्या समस्या? वो पुल उन्होंने छोटा बना दिया, उनको बड़ा करने के लिए उन्होंने मांग करी कि जो फसल उनकी नुकसान हो रही है। कितने लाख से बना? वो तो अपने को नहीं जानकारी, वो प्रधानमंत्री को पक्का रोड TW वाले का है सर। आज आपने शिवराज जी से क्या बात करने की मंशा रखी थी मन में? एक नदी पे, बापू नदी पे खुलिया की मांग रखने का था, जो टोक्सर मार्ग पे जो अभी जो बना है, पानी आने में मतलब किसान खेत में न जा पाते, इसलिए बड़े पुल की मांग करने की क्षमता करी।